friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, आज सुबह मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी किस तरह से कनाडा में यानी के सलमान खान जब आज टोरंटो गए थे The Being Human स्टोर की ओपनिंग के लिए वहाँ के यू नो इंटरव्यू वहाँ किस तरह से उन्होंने अपनी टाइगर 3 के बारे में खुलकर सामने आया। लेकिन गाइज जो सबसे बड़ी बात है मैं नहीं बोलने वाला था लेकिन ना चाहकर भी मुझे बोलना पड़ा। बहुत लोगों ने मुझे ये मैसेज करके बताया कि सर जो मेन मकसद था जो असली मकसद था ये बीइंग ह्यूमन स्टोर का यू नो पर्सनल अपीयरेंस वो बारे में आपने बताया ही नहीं पूरी कहानी बता दी है। जो मेन स्टोरी थी जिसके वजह से सलमान खान वहाँ पे गए थे जो उनका चैरिटी का मकसद था आपने वो बताया ही नहीं। वेल फ्रेंड्स माफी चाहता हूँ मैं ऐसी बातें खुद यू नो बाहर फैलाना नहीं चाहता हूँ यू नो एंड सलमान खान ऑल्सो बिलीव्स इन कीपिंग ऑल दीज थिंग्स वेरी साइलेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेल दिस मोस्ट फॉर्चुनेट इंसिडेंट विच हैपेंड बाय सलमान खान। आज के ज़माने में कोई किसी को 10 रुपया नहीं देता यार, 5 रुपया मांगो तो लोग बोलते अरे पैसा नहीं रे कल ले गया ना मेरे से, 1 रुपया अरे किसी को चॉकलेट खिलाने बोल दो तो साला चॉकलेट कोई खिलाता नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में एक ऐसा आदमी जो अपने मुल्क में नहीं दूसरे के मुल्क में जाके चैरिटी कर रहा है क्या बोलने का उसके बारे में, आई एम फीलिंग बैड। मैंने आपको सुबह ये बात नहीं बताई लेकिन अभी बताऊंगा गाइस ध्यान से सुनिएगा। द इंडियन सुपरस्टार एंड फाउंडर ऑफ बीइंग ह्यूमन द सलमान खान फाउंडेशन इज कमिंग टू हॉल्ट रेनफ्री स्क्वायर 1। ये वहाँ पे यू नो कैनेडा में टोरंटो में हॉल्ट रेनफ्री स्क्वायर 1 है एंड फॉर 3 डेज ओनली You can shop being human clothing with 100% net sale proceeds supporting education and healthcare for underprivileged children in India. Can you believe it guys? I mean, जो पहले 3 दिनों का सेल रहेगा जस्ट लेट्स लुक एट दिस जो पहले 3 दिनों का सेल रहेगा वहाँ के जितने भी पैसे रहेंगे उस सारी की सारी चैरिटी में जाएंगे फॉर हेल्थ केयर एंड अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। आई मीन कनाडा में जाके सलमान खान चैरिटेबल फंड्स कर रहा है। अपने देश में तो चलो अपने देश में सलमान खान डज दिस बट ही इज गॉन टू कनाडा एंड गोइंग देयर ही इज डूइंग चैरिटेबल यू नो फंक्शंस जस्ट टू कलेक्ट मनी फॉर हिज ट्रस्ट विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइज। गेट फ्रंट ऑफ द लाइन एक्सेस। अब 7 तारीख से लेके 9 तारीख तक अगर आप पहले 250 जो कस्टमर यस फ्रेंड्स द फर्स्ट 250 कस्टमर्स टू स्पेंड $250 ऑन बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग। अभी आप बोलोगे $250 खर्चा करना है, $250 कौन खर्चा करेगा। और उसके बाद अगर आप $250 खर्चा करते हो या फिर हॉल्ट रेनफ्री मर्केंडाइज इन स्टोर में शॉपिंग करते हो तब स्क्वायर 1 में आपको फ्रंट लाइन एक्सेस मिलेगा टू सी सलमान खान। अब फ्रंट लाइन एक्सेस ये है जो आगे जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे इन ये सारे लोगों ने $250 के ऊपर की शॉपिंग की थी। अब ये कनेडियन डॉलर्स थे, अगर मैं 250 कनेडियन डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करूं तो होता है 13,092 मतलब 13,000 पकड़ के चलो 13,000 के हिसाब से अगर मैं 250 लोगों का आंकड़ा जोड़ूं तो गाइस 32,50,000 यस फ्रेंड्स 32,50,000 रुपीज हैव बीन कलेक्टेड एज चैरिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन अपीयरेंस ऑफ सलमान खान। सारे पैसे इन मासूम गरीब बच्चों के लिए जाएंगे गाइस। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई मीन द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट कम्स इन फॉर सलमान खान इज इमेंस। लॉन्च टूडे हॉल्ट फ्री न्यू शॉप स्क्वायर। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट सलमान खान। आई मीन वी डोंट हैव वर्ड्स टू प्रेज यू। आपकी इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना इतनी मायने रख जाती है। भले आपके लिए छोटी बात है लेकिन आपके फैंस आपसे इसीलिए प्यार करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और पीछे की तादाद तो मैं गिनने से रहा, इतने लोग दूर दूर तक नज़र फहराओ सलमान खान इज देयर। सो गाइज दिस इज द पावर ऑफ सलमान खान। जहाँ वो खड़े हो जाते हैं वहाँ लोग बस उनके मुरीद बन जाते हैं गाइज सीरियसली। तो आई होप ये एपिसोड बनाया हूँ मैंने अभी जितने सलमान खान फैंस हैं उनको तसल्ली हो गई होगी कि वाई वॉट वॉज द मेन पर्पज ऑफ द चैरिटेबल फंड एट टोरंटो। ओके गाइस एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। इट्स मी अमन अंसारी साइनिंग ऑफ। यू विल सी यू वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।